नमस्कार, खुराना फोरम में आपका स्वागत है। अगर कोई पत्रकार इस बात की डील करते हुए पकड़ा जाए कि कौन सी खबर दिखानी है या कौन सी खबर नहीं दिखानी है और मामला गिरफ्तारी से लेकर जेल तक चला जाए। जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी के चेयरमैन नवीन जिंदल की शिकायत पर सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया को गिरफ्तार किया गया है। नवीन जिंदल ने आरोप लगाया था कि कोयला घोटाले पर कवरेज रोकने के बदले जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया ने 100 करोड़ रुपए मांगे थे। हमारी टीम ने निर्णय किया कि सच को उजागर करने के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास सबूत नहीं होंगे तो कोई हमारी बातों को नहीं मानेगा, तो इसलिए कहा हमें इस बातों का हमें सबूत इकट्ठा करना चाहिए। तीन मीटिंग्स हुई तो उसके अंदर जो है वो 20 करोड़ जो है बढ़ करके वो 100 करोड़ रुपए मांगने लगे। नवीन जिंदल ने खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड की गई बातचीत का एक टेप भी सार्वजनिक किया था। इस वीडियो में सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया पैसों की बातचीत करते दिखाए गए थे। हमारे बॉस की मुलाकात कैसे हो सुभाष चंद्र जी से? सुभाष चंद्र, उनको ये लगता है कि यार उनको ये लग रहा है कि 20 सुधीर जी समीर साहब उनको ये समीर जी उनको ये लग रहा है कि भाई 20 के 100 कैसे हो गए, उनकी अभी तक समझ में नहीं आया ये। बीस करोड़ के 100 करोड़ कैसे हो, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा पत्रकार अगर अपनी पत्रकारिता कंटिन्यू करता है तो उसे अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी या फिर कोई पर्सनैलिटी। ऐसे पत्रकार का अगर कोई प्रश्न इंटरव्यू देने वाले को पसंद नहीं आया तो उसे उसका इतिहास याद दिलाया जा सकता है। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? शायद ट्रिवलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिवलाइज नहीं कर रहा, बट इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिवलाइजेशन हो जाएगा। इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ, सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? गजब बेइज्जती है। सो द बेटर सॉल्यूशन विल बी टू get engaged in any profession other than journalism.